Now, this is the another example based on property of Realloc function. जैसा कि मैंने आपको बताया था, Realloc function के थ्रू किसी भी existing block के size को increase करना भी possible, same है, decrease करना भी possible. Just इस case में test करेंगे decrement behavior. Suppose अगर आपके पास कोई block available है, और इस block के पास existing bytes कितने something 20 bytes. तो next time में just इस कमी से अगर 20 bytes में इसमें completely 20 bytes use ना करें, मुझे use कितने bytes करना? Only 4 bytes, और only 10 bytes, और only 15 bytes. या rest of unused bytes कैसे होंगे useless तो ना जैसे particular situation है unused bytes को deallocate कराना possible with the help of realloc function. realloc function के through जब भी आप किसी भी block के size को decrease करने के लिए try करोगे तो ना इस case में कोई भी new block create होने के chances नहीं मिलते. existing block का just remaining part decrease हो जाएगा. existing block का just remaining part deallocate होगा. तो इस case में कभी base address change होने के chances नहीं मिलते. realloc के case में realloc function return क्या करता है? base address of either same block और new block. न्यू ब्लॉक कब क्रिएट होता है? अगर एग्जिस्टिंग ब्लॉक के जस्ट बाद नेक्स्ट प्लेसेस पर रिक्वायर्ड स्पेस अवेलेबल नहीं है, देन रिटर्न क्या होता है? मे बी न्यू एड्रेस. क्लियर? बट सपोज अगर आपको जस्ट साइज को डिक्रीज करा जाए, इस केस में कभी न्यू ब्लॉक रिक्वायर्ड ही नहीं. इसलिए अगर आप मीन से एग्जिस्टिंग साइज क्या है n, अगर आप न्यू साइज प्रोवाइड कर लेस देन करंट साइज, मीन सपोज किसी पर्टिकुलर केस में करंट साइज क्या, मीन एग्जिस्टिंग ब्लॉक का करंट साइज प्लस आपने सप्लाई क्या किया न्यू साइज, अगर न्यू साइज करेंट साइज से छोटा है देन इस केस में कभी भी डिफरेंट एड्रेस रिटर्न होने के चांसेस नहीं. ऑलवेज रिटर्न किया और सेम एड्रेस. सेम प्रॉपर्टी टेस्ट करने के लिए उन्होंने प्रोवाइड क्या किया, गिवन एग्जांपल. इस केस में जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब भी आप डायनेमिकली मेमोरी स्पेस एलोकेट कर देने, एलोकेशन किस प्लेस पर होगा? इनसाइड हीप एरिया. दिस इज सम हीप लोकेशंस, दिस इज हैश टेबल. क्योंकि जब भी हीप के अंदर कोई भी स्पेस रिजर्व होता है देन इसका एंट्री इंसर्ट होता है इनसाइड हैश टेबल. देन इस केस में यूज करेंगे जस्ट हैश टेबल प्रॉपर्टीज. ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका प्रीवियस सेशन वाइडी मीन बाई हैश टेबल और हीप एरिया. क्लियर? फाइनली इस केस में जस्ट बेसिक बिहेवियर टेस्ट करेंगे. इनिशियली सबसे पहले एक पॉइंटर क्रिएट किया, कैरेक्टर पॉइंटर. तो जैसा कि आपको पता है कैरेक्टर पॉइंटर के केस में जस्ट पॉइंटर का साइज, मीन पॉइंटर किसी भी टाइप का वो साइज क्या होता है? ऑलवेज 2 बाइट्स. प्लस ए पॉइंटर इट सेल्फ कहाँ क्रिएट होगा? इनसाइड स्टैक एरिया. एज्यूम किया मैंने इसका एड्रेस है 1000. सेकेंड केस में एक और सेपरेट वेरिएबल क्रिएट हुआ इनसाइड स्टैक. स्टैक के टॉप में क्रिएट क्या हो जाएगा? जस्ट वेरिएबल एन. और एन के केस में इनिशियल वैल्यू क्या है इसका? जस्ट 12. एन के थ्रू मैनेज करेंगे करेंट साइज ऑफ लॉक. देन इनिशियली मैंने फर्स्ट टाइम मेलॉक फंक्शन के थ्रू एन बाइट्स एलोकेट कराए और एन का साइज 12 है. जैसे इस केस में मेलॉक फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, मेलॉक का वर्किंग क्या है? एलोकेटिंग एन बाइट्स इनसाइड हीप एरिया. तो हीप एरिया के इसमें बेसिक स्ट्रक्चर पॉइंट किया, जैसे फर्स्ट बाइट और नल लोकेशन. फर्स्ट बाइट का एड्रेस ऑलवेज क्या होता है? जीरो. जीरोथ लोकेशन कंसिडर होता है या नल लोकेशन, बिकॉज ये लोकेशन कभी भी किसी भी वेरिएबल के लिए एलोकेट नहीं होता है. प्लस इस लोकेशन पर बाय डिफॉल्ट वैल्यू भी ऑलवेज क्या रहता है? ऑलवेज जीरो. अगर आप इस प्लेस पर अगर आप डिस्प्ले कराओगे स्टार जीरो का वैल्यू, स्टार जीरो का वैल्यू भी आपको क्या मिलेगा? ऑलवेज वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई पॉइंटर क्रिएट किया लाइक दैट इंट स्टार पी इक्वल्स टू समथिंग नल, और नल का भी नहीं किया जस्ट जीरो. अगर इसके साथ आप डिस्प्ले करा दो प्रिंट एप के थ्रू स्टार पी एज वेल एज पी, तो पी के केस बात करें मीन्स पी में क्या स्टोर हुआ? नल. नल मीन्स जीरो. इसका मीनिंग क्या हुआ? स्टार जीरो कॉमा पी. पी में क्या स्टोर है? जीरो. तो पी के प्लेस पर जीरो आएगा, स्टार जीरो के प्लेस पर क्या आएगा? जीरो. बिकॉज नल लोकेशन का वैल्यू भी ऑलवेज क्या रहता है? जीरो. मीन्स इसलिए इससे कभी भी अनरिजर्व्ड प्लेस एक्सेस नहीं होता. दिस इज द वेल मैनर फॉर इनिशियलाइजिंग एनी पॉइंटर वेरिएबल वाई नल एड्रेस. मीन्स इसको मैं ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर चुका हूँ. जस्ट इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करें, इसके इसमें कितने बाइट्स एलोकेट होंगे? 12 बाइट्स. सपोज दैट ये प्रीवियस बाइट्स ऑलरेडी रिजर्व्ड है, इसे 100 लोकेशन ऑनवर्ड्स कितने बाइट्स एलोकेट होंगे? जस्ट 12 बाइट्स. इसके इसमें इनिशियली में स्टैक के अंदर सॉरी हीप एरिया के अंदर बिगिनिंग 12 बाइट्स और गिविन 12 बाइट्स में कंसिडर करा जाए रिजर्व्ड. देन इस केस में जब भी कोई स्पेस रिजर्व होता है देन एलोकेशन के रिस्पेक्ट में परफॉर्म क्या होता है? इंसर्टिंग न्यू एंट्री इनसाइड हैश टेबल. प्लस इस केस में न्यू एंट्री में इंसर्ट क्या हुआ? बेस एड्रेस ऑफ एलोकेटेड ब्लॉक. इस ब्लॉक का बेस एड्रेस क्या है? जस्ट 100. तो स्पेस में आसान क्या हो जाए? 100. दिस इज द रिमेनिंग एंट्रीज. देन इस ब्लॉक का एड्रेस क्या है? व्हाट इज द साइज ऑफ ब्लॉक? जस्ट 12. तो इस केस में मेंशन क्या हो जाए? 12. दिस इज द फर्स्ट केस. नेक्स्ट वन इज फाइनली देन मेलॉक फंक्शन रिटर्न क्या करेगा? क्रिएटेड ब्लॉक का बेस एड्रेस. बेस एड्रेस मैंने एज्यूम किया 100, तो रिटर्न क्या हुआ? 100. 100 आसान हो जाएगा इनसाइड पॉइंटर वेरिएबल पी. नाउ पी इज पॉइंटिंग दैट लोकेशन फ्रॉम बिगिनिंग एड्रेस और बेस एड्रेस ऑनवर्ड्स. प्लस इस प्लेस पर इनिशियली वैल्यूज क्या? सम गार्बेज वैल्यू.
वन मोर थिंग्स, इस केस में पॉइंटर का टाइप क्या, कैरेक्टर पॉइंटर, एट ए टाइम कितनी बाइट्स पॉइंट करेगा, ओनली वन बाइट, तो इस केस में स्टार पी ओनली वन बाइट कहने वो बिगिनिंग बाइट्स, दिस लोकेशन इज नथिंग बट स्टार पी। और स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट में इसको नेम दे सकते हैं पी ऑफ जीरो, पी ऑफ वन, सेम एज पी ऑफ टू एंड सो ऑन, सेम एज स्ट्रिंग प्रॉपर्टीज। मीन्स इस केस में एक करंटली डायनेमिक एरे और ब्लॉक कंसिडर होगा एज अ स्ट्रिंग पर्पज। देन नेक्स्ट टाइम str string copy फंक्शन के थ्रू जस्ट परफॉर्म क्या करा है, कॉपी ऑपरेशन। ये ऑपरेशन आप डायरेक्टली इस टाइप से असाइन करना, आप इस टाइप से भी असाइन करना पॉसिबल है। दूसरा केस क्या था, जस्ट बाय यूजिंग डायरेक्ट असाइनमेंट, डायरेक्ट असाइनमेंट पॉसिबल था, दिस द बेस्ट वे। मीन्स अगर आप स्ट्रिंग कॉपी करते हो तो कॉपी करने के लिए ऑलरेडी आपके पास फंक्शन क्या है, strcpy बाई, याद रखना। अगर सेम केस में इस टाइप से कोई स्ट्रिंग असाइन कर दो, p इक्वल्स टू ए बी सी लाइक दैट, इसका मीनिंग क्या, इस केस में न्यू स्ट्रिंग क्रिएट होगा, न्यू स्ट्रिंग का जो भी एड्रेस होगा समथिंग 200, एक कॉपी केस में जाए पॉइंटर वैल्यू p, तो p न्यू लोकेशन को पॉइंट करना स्टॉप करेगा। लेकिन इस करंट strcp फंक्शन का वर्किंग क्या है, आप फर्स्ट केस में पास क्या करो पी ओ, पी में क्या है 100, मीन्स जो भी इस केस में स्ट्रिंग क्रिएट होगा, इस स्ट्रिंग के कंटेंट्स कॉपी किस में हो जाएगा, फ्रॉम 100 लोकेशन ऑनवर्ड्स, तो 100 लोकेशन ऑनवर्ड्स जस्ट असन क्या हो जाएगा, कैरेक्टर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे एंड के, देन स्ट्रिंग ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिटली टर्मिनेट किस हुआ नल, मीन्स सब कुछ सारे सारे सिम्बॉल एनक्लोजिंग किस फॉर्म है, जस्ट सिंगल कोड एज अ कैरेक्टर। रियल केस में इस प्लेस पर स्टोर क्या हुआ, बाइनरी नंबर ऑफ आस्की वैल्यू ऑफ ईच कैरेक्टर, क्लियर। जस्ट मैं सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन शो कर रहा हूँ, इसे इनिशियली कितने बाइट्स एलोकेट हुए, जस्ट 12 बाइट्स, रिटर्न क्या हुआ एड्रेस एज 100। इस केस में मेंशन मिस चेक ये करना है, फाइनली इसका आउटपुट क्या आएगा, प्लस एवरी टाइम जब ये लूप एग्जीक्यूट हुआ तो किस टाइप्स के ऑपरेशंस इंटरनली परफॉर्म होंगे। फर्स्ट केस, तो फर्स्ट केस में प्रिंट टैप के थ्रू जस्ट डिस्प्ले क्या कराया, फर्स्ट केस में क्या पास हुआ पी, तो पी में क्या स्टोर है 100, तो पी के प्लेस पर जस्ट रिप्लेस किया जाएगा 100। फर्स्ट केस में क्या परसेंट यू, पी मीन्स जिस लोकेशन का एड्रेस एलोकेट हुआ, जस्ट उस एलोकेटेड ब्लॉक का एड्रेस डिस्प्ले करा, करेंटली मेलॉक के थ्रू किस लोकेशन को एलोकेट किया, तो कौन सा लोकेशन एलोकेट हुआ 100, फर्स्ट केस में परसेंट यू के थ्रू डिस्प्ले किया जाएगा 100। सेकेंड केस में परसेंट एस का वर्किंग क्या, मीन्स रीडिंग स्ट्रिंग कैरेक्टर्स, तो परसेंट एस के अकॉर्डिंग प्रिंट एफ गिवन एड्रेस से जस्ट कैरेक्टर्स रीड करना स्टार्ट करे, कब तक रीड होंगे जब तक नल नहीं मिल जाता, उस केस में कंप्लीट स्ट्रिंग डिस्प्ले हो जाएगा। डिस्प्ले क्या हुआ इस केस में ए बी सी डी अप टू के, क्लियर। देन लाइन चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू स्लैश एन, देन नेक्स्ट आउटपुट नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले हुआ। कंडीशन टेस्टिंग, एन ग्रेटर देन जीरो, करेंटली एन का वैल्यू क्या जस्ट 12, ग्रेटर देन जीरो कंडीशन इज ट्रू, ट्रू है देन एन में परफॉर्म क्या हुआ डिक्रीमेंट बाई 4, एन माइनस 4 मीन्स 12 माइनस 4 बिकम्स 8, क्लियर। देन नेक्स्ट टाइम रियलॉक फंक्शन से इसके जस्ट बाद कॉल किया हुआ रियलॉक, रियलॉक में फर्स्ट केस में क्या पास होगा पी, और पी में क्या है 100, मीन्स एड्रेस ऑफ एग्जिस्टिंग ब्लॉक। एन के केस में एन का वैल्यू पास होगा 8, इसका मतलब कि आपको कितनी बाइट्स रिक्वायर्ड, ओनली 8 बाइट्स, प्लस इसका मतलब कि मीन्स जस्ट एग्जिस्टिंग ब्लॉक का साइज आपको या तो इंक्रीज करना है डिक्रीज करना बाई 8 बाइट्स, मीन्स एग्जिस्टिंग ब्लॉक ऑनवर्ड्स आपको कितनी बाइट्स रिक्वायर्ड, ओनली 8 बाइट्स, तो इस केस में न्यू ब्लॉक क्रिएट होने के चांसेस ही नहीं है, मीन्स आप श्योर हो इस केस में, क्योंकि आप जस्ट ब्लॉक को डिक्रीज कर रहे हैं। न्यू ब्लॉक कब क्रिएट होता है, जब करेंट ब्लॉक गिवन साइज को फुलफिल करने के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इस केस में मीन्स 8 बाइट्स रिक्वायर्ड, 8 बाइट्स के रिस्पेक्ट में मीन्स करंट साइज क्या है इस ब्लॉक का, इस ब्लॉक के केस में करंट साइज क्या है 12, जस्ट 8 से बड़ा है और 8 12 से छोटा है, छोटा इसका मतलब क्या है जस्ट एग्जिस्टिंग ब्लॉक के साइज को डिक्रीज करने के लिए ट्राई कर रहा है। एग्जिस्टिंग साइज क्या है 12, इस केस में जस्ट रियलॉक फंक्शन के थ्रू सेम साइज के अंदर मीन्स गिवन एड्रेस ऑनवर्ड्स, करेंटली प्रीवियस केस में कितने बाइट्स जब थे 12 बाइट्स, इन करेंटली अब मीन सेम ब्लॉक के केस में कितने बाइट्स जब रहेंगे जस्ट 8 बाइट्स, तो प्रीवियस केस में लॉजिकली ऑल 12 बाइट्स कैसे थे रिजर्व्ड, जैसे इस केस में वाइल्ड सॉरी रियलॉक फंक्शन का एग्जीक्यूशन परफॉर्म हुआ तो इस केस में लास्ट 4 बाइट्स जस्ट फ्री हो जाएंगे, मीन्स इस केस में कितने बाइट्स डी एलोकेट हुए जस्ट लास्ट 4 बाइट्स, लेकिन अभी भी लास्ट 4 बाइट्स में कंटेंट सेम है, लेकिन लॉजिकली ये 4 बाइट्स कैसे रिजर्व्ड और अनरिजर्व्ड, अनरिजर्व्ड, तो इस केस में मीन्स जैसे इस केस में रियलॉक फंक्शन कॉल होगा, इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद आई जे के एंड नल किस प्लेस पर स्टोर, जस्ट अनरिजर्व्ड मेमोरी प्लेस, क्लियर, क्योंकि आपका सब करेंटली रिजर्वेशन कितने बाइट्स की हुआ है, एलोकेशन कितने बाइट्स की हुआ, ओनली जस्ट 8 बाइट्स, देन ये रिटर्न क्या करेगा रियलॉक फंक्शन, रिटर्न क्या हुआ रिजर्व्ड प्लेस का बेस एड्रेस, तो अभी भी ब्लॉक का कोई एड्रेस चेंज हुआ है नहीं, अभी एड्रेस क्या है 100, तो इस प्लेस पर रिटर्न क्या हुआ जस्ट
100, देन 100 कॉपी किस में जाए पी में, तो पी में इनिशियली भी 100 था, अभी भी क्या फाउंड होगा ऑल्सो 100, तो प्रीवियस एड्रेस में ऑलरेडी डिस्प्ले करा चुका हूँ। अगर इस केस में न्यू ब्लॉक क्रिएट नहीं हुआ तो पी के केस में फिर से अगेन क्या डिस्प्ले होना चाहिए 100, अदरवाइज न्यू एड्रेस, तो न्यू एड्रेस का भी प्रिंट होने चांसेस ही नहीं होंगे। देन अगेन क्या डिस्प्ले करा पी, पी में क्या स्टोर है 100 एंड 100, फर्स्ट केस में परसेंट यू से डिस्प्ले करा, डिस्प्ले क्या हुआ 100, सेकेंड केस में परसेंट ऐसे डिस्प्ले करा है, मीन्स इस केस में याद रखना फिजिकली कभी मीन्स करेंटली करंट ब्लॉक का साइज फिजिकली डिस्प्ले कराना पॉसिबल नहीं, ना ही साइज ऑफ ऑपरेटर के थ्रू, ना ही किसी अदर मैकेनिज्म के थ्रू, मीन्स लॉजिकली आपको इसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए, मीन्स लास्ट फॉरवर्ड कैसे अनरिजर्व्ड, लेकिन इस केस में पास करो 100, तो 100 ऑनवर्ड्स जस्ट एक कैरेक्टर रीड करेगा, मीन्स बिगिनिंग 8 बाइट्स के केस में श्योरिटी है क्या डिस्प्ले हुआ 100% ए बी सी डी ई एफ जी एच, मीन्स 8 कैरेक्टर रिजर्व्ड प्लेसमेंट है इसके लिए श्योरिटी है, लेकिन लास्ट 4 बाइट्स के केस में मीन्स डेटा कब तक डिस्प्ले करता जब तक नल ना मिल जाए, करेंटली नल के बाद फाउंड हो रहा, तो इस केस में आई जे के भी डिस्प्ले हुआ, डिस्प्ले क्या हुआ आई जे के, लेकिन आई जे के की कोई श्योरिटी नहीं है सभी सिचुएशन में ऑल टाइम डिस्प्ले हुआ, बिकॉज ये 3 के लास्ट 3 कैरेक्टर अनरिजर्व्ड प्लेस पर अवेलेबल, मीन्स बिगिनिंग 8 बाइट श्योर है लेकिन रिमेनिंग प्लेस पर क्या स्टोर डिस्प्ले हुआ मे बी आई जे के और मे बी सम गार्बेज वैल्यू, मीन्स इस केस में बिहेवियर कैसा हो मे बी अनएक्सपेक्टेड, क्लियर। नेक्स्ट वन अगेन कंडीशन टेस्ट होगा व्हाइल लूप के केस में, करंटली एन का वैल्यू क्या 8 ग्रेटर देन 0 कंडीशन इज ट्रू, देन एन में अगेन डिक्रीमेंट कितने से होगा 4 से, नाउ वैल्यू ऑफ एन बिकम्स 4, क्लियर। मीन्स हैश टेबल के अंदर ब्लॉक के लिए सारे इन्फॉर्मेशन क्या 8, तो 100 ऑनवर्ड्स कितने ब्लॉक बाइट्स इज हैव टू कंसीडर ओनली 8 बाइट्स, प्लस चेक कर सकते हो अभी कोई ब्लॉक एड्रेस चेंज हुआ है क्या नहीं, मैलॉक के केस में भी एड्रेस क्या था 100 और रियलॉक के केस में एड्रेस क्या 100, अगर आप इस केस में 12 से बड़ा साइज प्रोवाइड करो देन हो सकता है सेम एड्रेस नो, हो सकता है एड्रेस डिफरेंट एड्रेस नो, लेकिन अगर आप लेस साइज प्रोवाइड करो देन इस केस में 100% श्योरिटी एवरी टाइम सेम एड्रेस नो हुआ। नेक्स्ट टाइम अगेन रियलॉक कॉल होगा तो नेक्स्ट टाइम फिर से रियलॉक कॉल होगा तो इस केस में एन का वैल्यू क्या करंटली पी का वैल्यू अभी भी क्या 100, एन का वैल्यू क्या करंटली 4, तो नेक्स्ट टाइम कितने बाइट्स रीएलोकेट करने के लिए ट्राई कर रहा है इस केस में जस्ट 4 बाइट्स, नेक्स्ट टाइम हैश टेबल के अंदर एग्जिस्टिंग एंट्री अपडेट हुआ साइज इन्फॉर्मेशन जस्ट बिकम्स 4, क्लियर। मीन्स 100 ऑनवर्ड्स लॉजिकली कितने बाइट्स रिजर्व्ड कंसीडर होंगे ओनली 4 बाइट्स, इस केस में मीन्स प्रीवियस केस में 12 बाइट्स जब थे नेक्स्ट टाइम 8 बाइट्स रिजर्व थे, लेकिन करेंटली कितने बाइट्स रिजर्व थे ओनली 4 बाइट्स फ्रॉम 100 लोकेशन ऑनवर्ड्स, इज इट क्लियर। देन अगेन इस अनरिजर्व्ड प्लेस पर कितने बाइट्स हैं जस्ट 8 बाइट्स, और रिमेनिंग डेटा मीन्स डी तक का वैल्यू मीन्स ए बी सी डी आपके पास क्या सिक्योर्ड इन्फॉर्मेशन, क्योंकि रिजर्व्ड प्लेस पर स्टोर है, रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन अनरिजर्व्ड प्लेस पर स्टोर हो सकता है डिस्प्ले हो सकता है किसी अदर प्लेसेस के थ्रू या अदर प्रोग्राम के थ्रू मॉडिफाई हो चुका हो, क्लियर। नेक्स्ट वन अगेन पास हुआ है देन रियलॉक फंक्शन के केस में अभी बेस एड्रेस चेंज नहीं हुआ, अभी भी मीन्स ब्लॉक का अभी बेस एड्रेस क्या है ऑल्सो 100, नेक्स्ट टाइम अगेन क्या रिटर्न होगा इस केस में जस्ट 100, 100 के रिस्पेक्ट में जस्ट अगेन सेम 100 कॉपी किस में जाए इनसाइड पी, तो अभी भी पी के अंदर सेम एड्रेस स्टोर, इसलिए पी किसको पॉइंट करा सेम ब्लॉक, क्लियर। नेक्स्ट टाइम अगेन पी के प्लेस पर क्या पास हुआ 100, 100 परसेंट यू के इसमें डिस्प्ले क्या हुआ 100, अगर ब्लॉक का साइज चेंज नहीं हुआ तो ऑल टाइम वैल्यू कैसे आएंगे सेम वैल्यूज, क्लियर। नेक्स्ट टाइम परसेंट एस के अकॉर्डिंग 100 लोकेशन ऑनवर्ड डेटा रीड होगा, लेकिन अभी करेंटली आपको शो क्या हो रहा है सेम, लेकिन ये डेटा कब तक डिस्प्ले करा अप टू साइज ऑफ ब्लॉक और अप टू ऑक्रेंस ऑफ नल, अप टू ऑक्रेंस ऑफ नल, नल अभी भी लास्ट प्लेस पर फाउंड हो रहा है, लेकिन ये रिमेनिंग बाइट्स किस प्लेस पर है अनरिजर्व्ड प्लेस, तो इस केस में बिगिनिंग 4 बाइट्स के केस में श्योरिटी है, बिगिनिंग 4 बाइट्स के डिस्प्ले होंगे ए बी सी डी, रिमेनिंग बाइट्स भी करेंट प्रोग्राम के अंदर मोस्टली 99% केस में क्या डिस्प्ले होंगे सेम, लेकिन इस केस में कोई गारंटी नहीं कि आपको ऑलवेज आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, मीन लास्ट 7 वाइट्स के लिए कोई भी गारंटी नहीं हो, बिगिनिंग 4 वाइट्स और ए बी सी डी, रिमेनिंग वाइट्स मे बी सेम और मे बी डिफरेंट, क्लियर। नेक्स्ट टाइम अगेन कंडीशन टेस्ट होगा, कंडीशन में एन का वैल्यू क्या है जस्ट सॉरी एन के केस में फर्स्ट टाइम क्या था 8, नेक्स्ट टाइम क्या हुआ जस्ट 4, इस केस में डिक्रीमेंट करना भूल गया था 4 के जस्ट हुआ, करंटली एन का वैल्यू क्या हो चुका है जस्ट 4, देन कंट्रोल कहाँ जाए कंडीशन टेस्टिंग, कंडीशन टेस्ट होगा 4 ग्रेटर देन 0 कंडीशन इज ट्रू, थर्ड टाइम कंडीशन टू देन परफॉर्म किया एन इक्वल टू एन माइनस 4, एन का वैल्यू 4 है 4 माइनस 4 बिकम्स 0, तो एन की वैल्यू क्या हो चुकी है इस केस में जस्ट 0, क्लियर। इस केस को स्पेशली ऑब्जर्व करना, नेक्स्ट जब रियलॉक फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो रियलॉक के केस में टेस्ट करो पी के प्लेस पर क्या पास होगा, पी में करंटली क्या स्टोर है 100
और n के प्लेस पर के पास वो n का वैल्यू जीरो, इसका मतलब क्या है, जस्ट आपको कितने बाइट्स रिक्वायर्ड है, ओनली जीरो बाइट्स फ्रॉम 100 लोकेशन ऑनवर्ड, जीरो मीन्स नथिंग, देयर इज नो बाइट्स आर रिक्वायर्ड, इस केस में बाइट्स रिक्वायर्ड नहीं, जब भी आप n के प्लेस पर जीरो पास करोगे देन इस केस में रियलॉक फंक्शन कोई भी ब्लॉक एल मीन्स जस्ट आपको जीरो बाइट्स का ब्लॉक रिक्वायर्ड है, जीरो बाइट्स का कभी कोई ब्लॉक होता है क्या, नहीं मीन्स नथिंग, मीन्स इस केस में कोई एलोकेशन परफॉर्म नहीं होता, जो भी अगर सेम एड्रेसमेंट करें इस केस में सेम रिजर्वेशन रहेगा तो इससे करेंटली रिप्रेजेंट क्या रहा जस्ट 4 बाइट्स, इस पर्टिकुलर केस में जब जीरो पास करोगे जो भी एड्रेस पास किया ये एड्रेस कंप्लीटली फ्री हो जाएगा, मीन्स हैश टेबल से इसका इन्फॉर्मेशन रिलीज हो जाएगा, क्योंकि अगर अवेलेबल होता था इससे रिप्रेजेंट क्या होता जस्ट 4 बाइट का रिजर्वेशन, लेकिन इस केस में जैसे ही एंट्री में होने के बाद 100 ऑनवर्ड सारे के सारे बाइट्स कैसे हैं अनरिजर्व्ड, तो इस केस में सारे बाइट्स कैसे अनरिजर्व्ड, लेकिन पॉइंटर के पास अभी भी कैसे हो रहा है 100, नेक्स्ट टाइम इस केस में कोई रिजर्वेशन परफॉर्म, जब भी कोई डी एलोकेशन परफॉर्म नहीं होता देन उस केस में चाहे वो मैलॉक फंक्शन हो, रियलॉक हो या कैलॉक, रिटर्न क्या होता है नल एड्रेस, रिटर्न क्या होगा इस केस में जीरो, तो जीरो केस में आसान हो जाएगा पी में, तो नेक्स्ट टाइम पी का वैल्यू क्या हो जाएगा जस्ट जीरो, क्लियर, इस जब भी आप साइज जीरो पास करो इसके इसमें कोई भी एलोकेशन परफॉर्म नहीं हो रहा, प्लस एग्जिस्टिंग ब्लॉक कंप्लीटली फ्री हो चुका है, हो सकता है कंटेंट सभी क्या फाउंड हो सेम, लेकिन अब आपके पास पी में क्या स्टोर है जस्ट जीरो, तो जीरो के केस में पी किसको पॉइंट करेगा नल लोकेशन, जीरो मीन्स नल एड्रेस, तो इस लोकेशन का अदर नेम क्या हो जाएगा स्टार पी, क्लियर, और जीरो ऑनवर्ड्स मीन्स क्या जीरो लोकेशन क्या फाउंड हो रहा है जीरो, जीरो मीन्स नल, इस कैरेक्टर के रिस्पेक्ट में स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट में जीरो इटसेल्फ कंसीडर होगा एज अ नल, नेक्स्ट टाइम प्रिंट एफ कॉल होगा पी के प्लेस पर क्या पास होगा जीरो, परसेंट यू के अकॉर्डिंग क्या डिस्प्ले हो जाएगा जस्ट जीरो, एंड परसेंट एस के अकॉर्डिंग क्या डिस्प्ले हो जाएगा जस्ट, जब भी आप परसेंट एस से नल लोकेशन से स्ट्रिंग प्रिंट करना स्टार्ट करते हो इसके से सिंपली डिस्प्ले होगा जस्ट लाइक दैट, दिस इज द प्रीडिफाइंड फॉर्मेट, रियल केस में इस केस में क्या स्टोर है जीरो, क्योंकि आप परसेंट डी से या परसेंट यू से ऑलरेडी चेक कर चुके हो, दिस इज द बिहेवियर ऑफ बिहेवियर ऑफ रियलॉक फंक्शंस, इस केस में जस्ट परफॉर्म क्या कराता है डिक्रीज, मीन्स अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग ब्लॉक है जब भी इसका साइज डिक्रीज करने के लिए ट्राई करोगे देन कभी भी न्यू एलोकेशन परफॉर्म नहीं होता, मीन्स एवरी टाइम आपको क्या होना सेम एड्रेसेस, क्लियर, नेक्स्ट टाइम सेम प्रोग्राम डिस्कस करें रिगार्डिंग इंक्रीजिंग साइज ऑफ ब्लॉक।